अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और सब अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा व्लॉग। फ्रेंड्स माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारा लैका पिजन का बेबी माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव है और पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। हमारी फीमेल इस टाइम यहाँ पर आकर अपने बेबी को फीड करवा रही है। और फ्रेंड्स हमारा मेल जो है यहाँ पर मज़े से घूम रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स अपने लक्का पिजन को मैंने मास्टर केज में ओपन छोड़ा हुआ है, इसीलिए मज़े से ये अपनी फ्लाइंग को भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ में अपना खाना पीना भी कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये नया मेल हम सिंधी जो है वो लेकर के आए थे, तो इसके साथ मैंने अपनी फीमेल चीनी को छोड़ दिया है। इंशाल्लाह ताला इस पेयर से हम ब्रीड लेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट हमें आएगा। फ़िलहाल मेल कुरीज़ में है और इसकी टेल भी कुरीज़ में चल रही है, इसीलिए फ़िलहाल हमने इसको पेयर अप करने के लिए अलग सेपरेट केज में डाल दिया है। इंशाल्लाह ताला ये कुरीज़ भी कंप्लीट कर लेगा और फिर हम अपने पेयर से ब्रीड लेंगे। जी फ्रेंड्स, अपने इस केज में मैंने कॉमन लुटिनो के पेयर को छोड़ दिया है और क्योंकि अब अगस्त का महीना आ चुका है और हाफ अगस्त गुजर चुका है, इसीलिए हमने अपने पेयर्स के लिए ब्रीडिंग बॉक्सेस भी लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला पेयर जो है वो जल्द ही बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रीड स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। एक फ्रेंड मैंने बॉक्स लगा दिया है और पेयर को भी इसमें छोड़ दिया है। जी फ्रेंड्स, इसके साथ ही बड़े पोर्शन में मैंने अपने छोटे ऑस्ट्रेलियन के पेयर को डाला हुआ है और हमारे पेयर ने माशाल्लाह से एग्स भी ले किए हुए हैं, तो मैं आपको इनके एग्स भी अभी शो करवा देता हूँ, मटकी चेक करवा देता हूँ कि कितने एग्स हमारी फीमेल लेकर चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं मटकी को। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि माशाल्लाह से हमारी फीमेल अपने 6 एग्स लेकर के बैठी हुई है और अपने एग्स को इनक्यूबेट कर रही है। इंशाल्लाह ताला पेयर जल्द ही जो है वो अपने एग्स में से चिक्स को हैच कर लेगा और इंशाल्लाह ताला में अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। फ्रेंड्स ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पेयर है, हर क्लच में 3 से 4 बच्चे की एवरेज है और निकाल के हमें देता है और माशाल्लाह से ये हमारा ब्रीडर पेयर है। फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑस्ट्रेलियन का पेयर है जिसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री मैं आपके साथ अभी शो कर देता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारा ये पेयर नंबर 2 है, इसमें हमारी स्पेंगल का मेल और स्पेंगल वॉयलेट की फ़ीमेल है। इस पेयर ने माशाल्लाह से 2 चिक्स हैच किए हुए हैं, चलिए मैं आपको शो करवा देता हूँ। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि माशाल्लाह से हमारे पेयर ने 2 चिक्स निकाले हुए हैं, हमारे इस पेयर ने 2 चिक्स निकाले हुए हैं और हमारे दूसरे ऑस्ट्रेलियन के पेयर ने 6 एग्स लेके हुए हैं माशाल्लाह से। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी ऑस्ट्रेलियन की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। जी फ्रेंड्स, अगले नंबर पर आ जाता है हमारे कॉकटेल का ब्रीडर पेयर, जिसमें हमारा कॉमन वाइट रेड आइस का मेल है और इनो रेड आइस की फीमेल है। फ्रेंड्स पेयर को अभी मैंने बॉक्स लगाया है और पेयर ने अभी बॉक्स की सिलेक्शन नहीं की और अभी जल्दी इंशाल्लाह ताला पेयर बॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा और इंशाल्लाह ताला हमें हमारा पेयर भी इस सीज़न में बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देगा।
जी फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे वाइट डब्स का पेयर है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा मेल जो है वो अपने दोनों चिक्स को फीडिंग करवा रहा है। माशाल्लाह से हमारे वाइट डब्स ने दो चिक्स हैच किए हुए हैं और हमारा पेयर बहुत अच्छे तरीके से अपने चिक्स को पाल रहा है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फीडिंग भी करवा रहा है हमारे बेबी चिक्स को। देख सकते हैं माशाल्लाह से दो चिक्स इस टाइम हमारे मौजूद हैं और ये साथ में हमारा पेयर बैठा हुआ है। जी फ्रेंड्स, अपने पैरट्स के बाद हम आ गए हैं अपने रैबिट्स की जानिब और माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हमारे रैबिट्स कितने क्यूट, हेल्दी और एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हमारे टोटल 12 रैबिट्स हैं जिसमें हमारा एक मेल है, दो फीमेल्स हैं और बाकी उसके चिक्स हैं जो माशाल्लाह से अब काफ़ी हद तक बड़े हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस सीज़न में हमें ये ब्रीड भी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और अपने रैबिट्स को इनका नाश्ता प्रोवाइड कर देते हैं, इनको जल्दी जल्दी से घास भी दे देते हैं और इनका पानी का बॉयल भी फुल कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको इनका नाश्ता दे देते हैं। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैंने अपने रैबिट्स को उनका खाना दे दिया है और माशाल्लाह से सारे रैबिट्स अपने खाने को इंजॉय कर रहे हैं। इनको घास डाल दिया है और ये अपने घास को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में इनका पानी का बाउल भी जो है वो मैंने फुल कर दिया है। जी फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को मस्ट लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानुल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।